उसकी जरूरत ही नहीं और प्रैक्टिकली किसी को जरूरत नहीं है हमारे स्टूडियो में हमारे बच्चे कभी भी जीवन में यूज नहीं किए हैं आज तक उनको पता ही नहीं कि ये यूज कब किया जाता है तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा कैमरा हो सकता है दोस्तों काफी दिनों से आप लोगों के कैमरे को लेकर के मिला कमेंट आता रह रहा है बार बार आप लोग पूछ रहे हैं कि हमें फोटो स्टूडियो के लिए कोई डी अच्छा सा बता दीजिए जो कम बजट के अंदर हो साथ में वीडियोग्राफी भी कर सके उससे यूट्यूब वीडियोस वगैरह के लिए भी हम उसको यूज कर सके तो अगर इक्वल इक्वल दोनों ही काम है जिन लोगों के पास फोटो का भी काम करना चाहते हैं और वीडियो का भी काम करना चाहते हैं यूट्यूब वीडियोज वगैरह या फिर रील्स वगैरह बनाने का जिन लोगों के पास काम है वीडियो का भी काम है तो उन लोगों के लिए कौन सा कम से कम में कैमरा हो सकता है मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे चार कैमरे के बारे में बात करूंगा जो बिल्कुल बजट रेंज के अंदर हैं इससे नीचे जाने में आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कम से कम इन चारों में से कोई अगर आप बाय करते हैं तो आप YouTube वीडियोस रील्स वगैरह या फिर फोटो स्टूडियो है आपका फोटो के लिए एक अच्छा सा कैमरा जो है आप सेलेक्ट कर पाएंगे इससे नीचे अगर आप जाते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं हो सकता हाँ

बीच में आपको इन्वेस्ट करना होगा, उससे नीचे अगर आप जाते हैं, तो सिर्फ फोटो परपज के लिए मिल सकता है सिर्फ अगर आपका स्टूडियो है तो उस परपज से मिल सकता है लेकिन साथ में अगर यूट्यूब या फिर रील वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम होती है वो क्वालिटी नहीं आ पाती है या बहुत अच्छा फोटो क्वालिटी नहीं आ पाती है लेकिन ये जो मैं बात करने वाला हूं ये सारे के सारे इन दोनों ही कामों के लिए बहुत अच्छे कैमरे हैं लेकिन ये सब 50 और 60 के बीच में आने वाले कैमरे हैं सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा जिसके अंदर सबसे पहला जो कैमरा है वो है कैनन का एम फिफ्टी मार्क टू ये मिररलेस कैमरा है मिररलेस कैमरा वजन में थोड़ा सा हल्का होता है इसके अंदर मिरर नहीं होता जो व्यू फाइंडर होता है वो इसके अंदर डिजिटली आता है आप उसके अंदर भी व्यू फाइंडर में भी अगर देखेंगे तो डिजिटली आपको दिखाई देगा डायरेक्ट नहीं दिखाई देगा जो कि डीएसएलआर के अंदर जो व्यू फाइंडर होता है वो डायरेक्टली सामने के पोज को सामने की इमेजेस को जो है आपको दिखा रहा होता है लेकिन इसके अंदर मिररलेस होता है मिरर इसके अंदर नहीं होता यह वीडियो एंड फोटो के लिए बहुत ही बेहतरीन कैमरा है जिस बजट के अंदर है बहुत अच्छा सबसे अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि अगर ये सबसे अच्छा होता बहुत अच्छा होता तो कोई दो लाख ढाई लाख चार लाख का कैमरा क्यों बाय करता लेकिन जिस बजट रेंज के अंदर है उस रेंज के अंदर आने वाला एक बहुत अच्छा कैमरा है इसके अंदर आपको 4K की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है क्योंकि 4K में अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो थोड़ा क्रॉप करता है लेकिन वहीं पर फुल एच करते हैं तो उसका जवाब नहीं है बहुत बेहतरीन क्वालिटी जो है आपको दे देता है ये स्पेशली यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएटर्स और फोटोग्राफर्स को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है स्पेशल रीजन उसका यह है कि स्पेशल इसके अंदर जो फीचर है वो फ्लिप स्क्रीन का फीचर है जो स्क्रीन घूम करके किसी भी साइड से वो आपके तरफ

कैमरे के साथ यही सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे रेंज आपको मिल जाते हैं लेंसिस के जिसका प्राइस अदर जितने भी सारे ब्रांड हैं उनमें से बहुत ही सस्ते मिलते हैं और क्वालिटी भी आपको ठीक-ठाक मिल जाती है ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस कैमरे का है कि अगर पहले से आपके पास डीएसएलआर रहा है और उसके लिए आपने कई सारे लेंसस को बाय कर रखा है तो वो सारे के सारे लेंसस जो है इसके अंदर भी लग जाएंगे बस एक जो है आपको कनवर्टर लेना होगा बस वो एडाप्टर के बाद जो है आप कोई भी जो है, इसके अंदर सपोर्ट करा पाएंगे अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन में जो इस कैमरे का जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी अदर ब्रांड में अगर आप बाय करते हैं तो कैमरा बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाता है तो एक बजट रेंज के अंदर आने वाला फोटो एंड वीडियोग्राफी के लिए बहुत अच्छा कैमरा हो सकता है सबसे बड़ी बात ये काफी कम वेट के अंदर है आप इसको लेकर के काफी देर तक ब्लॉगिंग भी कर पाएंगे आपके हाथ दर्द नहीं होंगे ये एक सबसे अच्छी बात होती है तो ये तो रहा मिररलेस कैमरा कैनन का एम फिफ्टी मार्क टू अब हम बात करते हैं डीएसएल की जिनको डी पसंद है वो जल्दी मिररलेस कैमरे में नहीं जाते हैं वो डी में ही जाएंगे तो डी अगर जिनको बाय करना है तो उनके लिए है कैनन का EOS 200D Mark II. डीएसएल कैमरा है ये और प्राइस इन सब का क्या है उस पर भी हम बात करेंगे अभी तो उसके हिसाब से आपको कौन सा लेना चाहिए हम उस पर भी बात करेंगे तो इसके अंदर क्या है कि ये भी बजट रेंज का आने वाला जितना भी डी है उसके अंदर ये बहुत ही बेहतरीन जो है डी है इस कैमरा में लगभग डी के सभी जरूरी फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर फोर के रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है जो पिछला था जो नॉर्मल कैनल 200D था सिर्फ उसके अंदर फोर के रिकॉर्डिंग नहीं थी कैन टू हंड्रेड के अंदर मार्क टू के अंदर जो है आपको फोर के रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है और ये सभी ई एफ को सपोर्ट करता है विदाउट किसी का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है और सबसे बड़ी बात वही जो मैंने बताया आपको कि कैनन के बहुत ही सस्ते होते हैं और बहुत सारे रेंज आपको देखने को मिल जाता है अगर इन दोनों कैमरे में जैसे कि डीएसएलआर एक्चुअली जो लोग फोटोग्राफी का काम बहुत पहले से किए हुए जिनको एक्सपीरियंस है उन लोगों का काम फोटो के लिए बिना व्यू फाइंडर का हो ही नहीं पाता उन लोगों की ऐसी प्रैक्टिस है कि वो जब भी फोटो सही खींचेंगे तो उनके लिए व्यू फाइंडर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो डिजिटल व्यू आ रहा होता है जो स्क्रीन पर आ रहा होता है उस पर उन लोगों का भरोसा नहीं होता क्योंकि उन लोगों की आदत ही पड़ी हुई है हमेशा व्यू फाइंडर के माध्यम से जो है फोटो को खींचना तो व्यू फाइंडर चाहिए तो आपको डी ही लेना पड़ेगा और कम से कम जो है 200D हैं, लिए मैं बताना चाहूंगा। जो पुराने हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं। किसी भी कैमरे के साथ में व्यू फाइंडर यूज करते रहे हैं और व्यू फाइंडर के बिना उन लोगों का फोटोग्राफी नहीं हो पाएगी तो उन लोगों को डीएसएल ही लेना होगा कैन टू हंड्रेड डी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है लेकिन यहां पर जिन लोगों को भी फाइंडर से मतलब उतना नहीं है, वो लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कौन सा बाय करें तो यहां पर जिन लोगों को वीडियो ज्यादा प्रिफरेंस है वीडियो ज्यादा जिनको बनानी है फोटो थोड़ा कम बनाना है यानी कि YouTube वीडियोस, रील्स वगैरह अगर आपको ज्यादा बनाना है फोटो का काम कम रहता है तो आप कैनन का एम फिफ्टी ले लीजिए मिररलेस कैमरा अन्यथा जिन लोगों का फोटोग्राफी का काम है, दुकान है, है आपके पास, या फिर ही करते हैं तो, का है, तो आप डी एस एल आर कैन टू हंड्रेड डी मार्क टू ले लीजिए ये आपके लिए बेहतर होगा यानी फोटो का, का काम ज्यादा करना है तो कैनन टू हंड्रेड डी वीडियो का काम ज्यादा है तो कैनन एम फिफ्टी मार्क टू ले लीजिए फाइनल आप यहीं से डिसीजन ले सकते हैं आपके लिए बहुत बेहतर होगा उसके बाद नेक्स्ट कैमरे की हम बात करते हैं काफी लोग निकोन के लिए कहेंगे कि निकोन को आप क्यों नहीं कंसीडर किए हैं निकोन से कौन सी दुश्मनी है तो कोई दुश्मनी नहीं है निकोन का एक कैमरा बहुत ही बेहतरीन है जैसे आपका कैनन का एम फिफ्टी मार्क टू है उसी प्रकार वही कैमरा उसी टाइप का कैमरा बिल्कुल भी निकोन के अंदर निकोन जेड है जेड ये बिल्कुल वही कैमरा है उसी के जैसा सारा का सारा फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा लेकिन सबसे बड़ा इसके अंदर परिवर्तन जो डिफरेंसेस है उस कैमरे से और इस कैमरे में आपको यही दिखेगा कि इसके अंदर व्यू फाइंडर है ही नहीं यानी कि जो भी कुछ करना है आपको स्क्रीन को देख करके ही करना होगा और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चूंकि नया कैमरा आया है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है क्योंकि आज के जितने भी सारे न्यू फोटोग्राफर आ रहे हैं या फिर जो न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं ये खास करके यूट्यूबर्स को ध्यान में रखते हुए रील्स वगैरह बनाने वालों को ध्यान में रख करके ये निकोन ने इसको लॉन्च किया है तो ये लोग व्यू फाइंडर को कभी यूज ही नहीं करते हैं पूरी लाइफ बीत जाएगी उनको मतलब ही नहीं पता होता कि व्यू फाइंडर को हम लोग कब यूज करते हैं तो उन लोगों को सर्वे के दौरान पाया गया कि लोग व्यू फाइंडर यूज ही नहीं कर रहे हैं तो इसलिए निकोन ने व्यू फाइंडर को हटा ही ही दिया बिल्कुल भी उसकी जरूरत नहीं और प्रैक्टिकली किसी को जरूरत नहीं है हमारे स्टूडियो में हमारे बच्चे कभी भी जीवन में यूज नहीं किए हैं आज तक उनको पता ही नहीं कि ये यूज कब किया जाता है तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा कैमरा हो सकता है व्यू फाइंडर नहीं है इसीलिए जो लोग पुराने लोग होंगे जिनको फोटोग्राफी करना है

से थोड़े से महंगे आपको पड़ते हैं और सबसे बड़ी बात इस कैमरे की यह भी है कि इसके अंदर नहीं है जितनी देर तक बड़ी से बड़ी फाइल बनाना है वीडियोग्राफी की तरह आप इसमें कर सकते हैं वो लिमिट्स इसके अंदर से हटा ली गई है जो कि कैनन में आपको मिलता है तीस तीस मिनट की अलग अलग फाइल बनती चली जाती है इसके अंदर कितनी भी देर का कीजिए कोई लिमिट्स नहीं है इस कैमरे की ये सबसे अच्छी बात है कहने का मतलब एकदम यूट्यूबर्स को प्रैक्टिकली क्या चाहिए उसको वो ध्यान में रखते हुए इसको बना दिया गया है तो इसीलिए अगर आप यूट्यूबर हैं और निकोन चाहिए तो आप इसको बिल्कुल भी बाय कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी हम प्राइस की भी बात करेंगे उसके बाद आ जाता है सोनी का अल्फा जेट भी ई टेन ये बहुत फेमस हो रहा है आज के रेट में सोनी के अंदर क्योंकि जिस बजट रेंज के अंदर है वो बहुत अच्छा ये कैमरा हो सकता है कंटेंट क्रिएटर के लिए ये कैमरा बहुत ही बेहतरीन कैमरा हो सकता है कंटेंट क्रिएटर को ध्यान में रखते हुए ही ये बनाया गया है यूट्यूबर्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए इसके सारे के सारे फीचर दिए गए हैं इसमें फोकस ट्रैकिंग इतनी कम की है खास करके सोनी में अगर देखा जाए तो फोकस का जो ट्रैकिंग जो सिस्टम होता है वो बहुत बेहतर होता है बाकियों से बहुत अच्छा होता है फोकसिंग इसका बाकी इसके अंदर जो है प्रोडक्ट फोकस के लिए एक ऑप्शन दिया गया है जो कि बहुत अच्छा अगर आप उसको ऑन कर देते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट है खास करके अगर आप प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं तो उस कंडीशन में इसका स्वाब नहीं है बहुत ही बेहतरीन काम करता है जैसे प्रोडक्ट को इसके सामने लेकर के जाएंगे ये प्रोडक्ट को फोकस कर लेता है हटाएंगे तुरंत आपको आपको फोकस 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 कर लेता है है जैसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट को को ले जाएंगे करेगा करेगा हटाएंगे ये आपको फोकस बहुत बेहतरीन काम करता है। खास करके जितने भी प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं उन लोगों के लिए यह फीचर बहुत कमाल का होता है इसके अलावा इसके अंदर स्लो मोशन भी बहुत ही बेहतरीन काम करता है बाकी ब्लर इफेक्ट के लिए एक स्पेशल बटन दिया गया है सिर्फ उसमें बटन को प्रेस करेंगे बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा उसको ऑन करेंगे वो हट जाएगा बिल्कुल भी व्हाइट एंगल आपको

जो आप डायरेक्ट आप यहां पर भी लगा करके आप यूज कर सकते हैं लेकिन मैं इसके अंदर जो है कॉलर माइक यूज करता हूं स्टीरियो जो कि बहुत अच्छा साउंड जो है आने लग जाता है तो माइक का मैं ये सेटअप यूज करता हूं सबसे बड़ी बात ये हो जाती है इसके साथ में कि कोई भी वायर आपको कैमरे पर लगाने डायरेक्ट उसको लगाइए और डायरेक्ट जो है कनेक्ट हो जाता है यह बहुत प्लस पॉइंट है और रोड से ये सस्ता भी माइक है मात्र पंद्रह रुपए के आसपास मिलता है और वही रोड को लेने के लिए जाएंगे तो बीस बाईस रुपए का मिलता है तो यह भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इसके अंदर हो जाता है चूंकि मेरे पास ये वाला मॉडल नहीं है मेरे पास सोनी जेड बी वन है जिसके अंदर अलग से लेंस नहीं लगता इसके अंदर लेंस ऑलरेडी उसके अंदर आता है जूम की फैसिलिटीज होती है और अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर लेंस आप जो है सोनी का कोई भी लगा सकते हैं ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसीलिए ये सोनी जेड बी को खास करके बहुत ही ज्यादा बनाया गया था के लिए और मैंने भी उसी मकसद से लिया था लेकिन मैं दोनों ही काम कर लेता हूं इससे मैं खास करके स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूं बहुत अच्छी क्वालिटी आती है आप लोगों के कमेंट भी कई बार आते रहते हैं कि आप कौन सा कैमरा यूज करते हैं तो मैं सोनी जेड बी वन यूज करता हूं इसी के साथ में माइक का भी यूज करता हूं जो कि क्वालिटी बहुत अच्छा मुझे लगता है तो क्वालिटी के मामले में सोनी जेड बी वन और सोनी जेड बी टेन एल दोनों ही एक ही जैसे लगभग लगभग मिलेंगे फर्क दोनों में इतना है कि जो सोनी जेट बी वन है इसके अंदर लेंस लगा हुआ आता है डिजिटल कैमरे की तरह लेंस आगे पीछे होकर के वो सेट हो जाएगा उसको चेंज नहीं कर सकते और E10 के अंदर जो है आपको लेंस चेंज करने की फैसिलिटी मिलती है वो सबसे अच्छी बात है 4K वीडियो के अंदर इसका बहुत ही बेहतरीन कलर आता है दोनों ही कैमरे जेट बी वन भी ले सकते हैं ई टेन भी ले सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कलर के साथ में जो है आउटपुट निकाल करके देता है लो लाइट परफॉर्मेंस इसका बहुत गजब होता है जिस लाइट पर मैं अभी

साठ से सत्तर हजार पैंसठ से सत्तर हजार के आसपास अभी मैं एग्जेक्ट प्राइस बताऊंगा आपको आपने ले तो लिया इसके साथ में जो लेंस आएगा वो आपने ले लिया ठीक है लेकिन अलग अलग काम के लिए अलग अलग हमें लेंसेस की जरूरत पड़ती है और सोनी के लेंसेस बहुत कॉस्टली होते हैं यह बात आपको ध्यान में रखना होगा लेकिन सोनी के कॉस्टली सिर्फ ऐसे ही नहीं होते हैं एक्चुअल में उनके अंदर क्वालिटी भी कम की होती है क्वालिटी तो उस क्वालिटी का वो पैसा लेता है वो जायज है बिल्कुल भी वो लेगा ही लेगा और वो आउटपुट निकल करके आता है उसमें कोई दो नहीं है तो इस तरीके से जो है आपको ये कैमरा जिस भी प्राइस में मिलेगा लेंसेज आपको अपग्रेड करने के लिए सोचना पड़ेगा जस्ट कैनन से डबल हो सकता है जो भी स्पेसिफिकेशन जो आप कैनन में ढूंढेंगे वही सोनी का लेंस जस्ट डबल डेढ़ या दो गुना जो है आपको ज्यादा मिलेगा यह आपको मान के चलना पड़ेगा बाकी लेंस नहीं बदलना है तो सोनी जेड भी बन ले सकते हैं मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके अंदर लेंस का कोई झंझट नहीं है तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं आइए अब हम बात करते हैं कि प्राइस एग्जेक्ट प्राइस क्या चल रहा है किसके साथ में क्या प्राइस आपको मिलने वाला है सबसे पहले कैन का M50 फिफ्टी मार्क टू की अगर हम बात करें तो 15-45, 15 से 45 एम mm के लेंस के साथ में एफ पॉइंट 26.3 जो है एफ के साथ में ये आपको मिल रहा है। फिलहाल पचास यानी कि 55 से सत्तावन हजार के आसपास में ये वैरी हमेशा कर रहा होता है तो इस हिसाब से आप बाय कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कैन 200D हंड्रेड डी मार्क टू की तो उसका अभी फिलहाल जो है अट्ठारह पचपन लेंस के साथ में ये पड़ जाएगा पचपन हजार नौ सौ निन्यानवे छप्पन हजार भी प्राइस बहुत अच्छा है इन सब का निकोन की अगर हम बात करें जेड थर्टी की तो उसका प्राइस इस वक्त जो है फिफ्टी सेवन थाउजेंड है सत्तावन हजार जो कि बहुत अच्छा प्राइस है और वो भी जो है सोलह पचास mm के, के साथ में जो है आपको मिलने वाला है तो किट लेंस है किट लेंस से बहुत अच्छा आप काम नहीं कर सकते लैपटॉप ले लेंस लेना ही पड़ेगा तो ये आपको ध्यान रखना होगा कौन सा लेंस आपके लिए जरूरी है इस पर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं वो ध्यान में रखते हुए ही आप कैमरा बाय कीजिए कि कौन सा लेंस आप उसके साथ में बाय कर सकते हैं बाकी किट लेंस तो देगा ही स्टार्टिंग में आप यूज कर सकते हैं कोई बुरा नहीं होता लेकिन हाँ बाकी स्पेशल कामों के लिए जो है आपको लेंस खरीदना पड़ेगा इसके अलावा सोनी की अगर हम बात करें जेड भी ई एल टेन की तो उसका प्राइस जो है इस वक्त सोलह पचास लेंस के साथ जो है सठ हजार चार सौ नब्बे यानी कि इकसठ हजार पाँच सौ रुपए करीब करीब सिक्सटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का जो है आज के रेट में ये प्राइस है इसको ले सकते हैं सेवन है जेड बी वन आपको पड़ रहा है रिमोट बाय कर सकते हैं इस तरीके से ये भी करीब करीब अगर रिमोट के साथ में बाय करेंगे यानी कि इसके साथ में ये आता है बहुत अच्छा काम करता है इस तरीके से आप इसको ट्राईपोड में भी यूज कर सकते हैं और इसके अंदर सारा वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है आपको कैमरे के पास जाकर के जूम वगैरह करने की जरूरत नहीं है रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है सारी चीजें इसी के अंदर मिल जाती है एक बहुत अच्छी बात होती है तो इसका दस हजार रुपए एक्स्ट्रा जो है बैठता है तो इसके बिना लेना चाहते हैं तो करीब वही सिक्सटी वन टू सिक्सटी टू टू थाउजेंड का पड़ेगा इसके साथ में लेंगे तो सेवेंटी के आसपास चलेगा जो जेड भी वन और इन दोनों का प्राइस लगभग लगभग सेम ही चल रहा है तो दोस्तों ये थे कैमरा अपने हिसाब से आप बाय करें सेलेक्ट करें थोड़ा सा समय दे करके आप सोचें उसके बाद कैमरे में इन्वेस्ट करें क्योंकि ये रोज नहीं खरीदा जाता दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं इसी प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो लेकर के आता रहता हूं मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका दिन शुभ हो